तो दोस्तों ये रही नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट, और इस लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कल 10 अक्टूबर को 2021 TQ1 नाम का उल्का पिंड हमारी धरती के काफी नजदीक से होकर गुजरने वाला है। देखते हैं इसके ऑर्बिट पीरियड को। तो चलिए देखते हैं इस एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट पीरियड को और ये हमारी धरती के लिए खतरा है या नहीं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं 2021 TQ1 नाम का उल्का पिंड हमारी धरती के आखिर कितने करीब से गुजरने वाला है। 10 अक्टूबर को यह कल 10 अक्टूबर को हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करेगा। ये हमारा सौर मंडल है और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा अर्थ, यहाँ पर बीच में डॉट सन हमारा सूर्य है, और ये ब्लू कलर का जो लाइन आप देख पा रहे हो ये हमारा धरती का ऑर्बिट पीरियड है। और इसे हम प्ले करके देखेंगे कि ये किस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। तो चल पा रहे हो ये किस तरह से ये अपने ऑर्बिट पर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। 2021 TQ1 नाम का ये उल्का पिंड और हमारी धरती किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी धरती और मैं इसे जूम करके आपको दिखा दूँ तो इसके चारों तरफ ये हमारा चांद है और हमारी धरती के चारों तरफ ये मूव कर रहा है। मैं इसे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की रफ्तार काफ़ी तेज है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर आपस में दोनों का ऑर्बिट पीरियड क्रॉस हो रहा है। यही वो पल है जो हमारी धरती के लिए खतरा बनते रहते हैं ये एस्टेरॉयड, क्योंकि इसी तरह हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करते समय ये काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि इनको हमारी धरती का ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसे धीरे धीरे प्ले करूँगा और आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। ये काफ़ी दूर है, हालांकि ये हमारे चांद के काफ़ी करीब से होकर गुजरेगा। दोस्तों इसे मैं धीरे धीरे प्ले कर रहा हूँ और आप देखते हो इस तरह से ये हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करके अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाएगा। इस तरह से ये आगे अपने आगे के सफ़र के लिए निकल जाएगा। धरती अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ती रहेगी और ये एस्ट्रॉइड भी अपने ऑर्बिट पर आगे बढ़ते हुए इस तरह से दोनों का काफ़ी फासला दूर होता जाएगा। और दोस्तों ये जो ऑर्बिट पीरियड है इस एस्ट्रॉइड का, ये हर साल हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता रहता है। दोस्तों ये हमारी धरती और इस एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट पीरियड लगभग सेम है, एक जैसा है, एक साइज़ का है। दोस्तों धरती की तरफ आने वाले एस्ट्रॉइड से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।